वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आते हैं सो लेट्स बिगिन पहले सी अर्चिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इट बिलोंग्स टू दाइनोडॉर्मेटा इकाइनोडरमेटा का मतलब ही है स्पाइनी स्किंड सो आप ये इमेज देख सकते हैं किस तरीके से इसकी बॉडी पे स्पाइन प्रेजेंट है ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं डाइशियस होते हैं डाइशियस का क्या मतलब होता है कि जो मेल एंड फीमेल सेक्सेस हैं वो डिफरेंट रहेंगे ऑल दो देर इज नो डिस्टिंग्विशिंग फीचर विजिबल इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है सो नाउ बिफोर मूविंग टू द फर्टिलाइजेशन पार्ट हम लोग थोड़ा सा एग का स्ट्रक्चर जो है उसे स्टडी कर लेते हैं कि जो सी ऑर्चिन है उसका एग का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है सो बेसिकली एग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है तो यहां पे जो सबसे आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं जलीकोट राइट right? ये है हमारी ये जो आउटर लेयर है पर्पल कलर की या फिर इस वाले स्ट्रक्चर में अगर ये देखें, ये वाला जो पार्ट है दिस इज जलीकोट ये जो पार्ट है दिस इज जली कोट जली कोट के नीचे होती है विटलाइन ऑनवल दिस इज दिस लेयर इज विटेलाइन लाइन ये वाला जो लेयर है ये वाला जो पार्ट है यहां पे एग का दिस इज विटेलाइन लाइन विटिलाइन एनवलप के नीचे जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो अंदर वाली साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो so, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ इस तरीके से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो ये है हमारे एक का स्ट्रक्चर इन सी ऑर्चिन नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. दिस इज पूरा पोर्शन जो है ये है हेड. ये है इसका मिडिल पीस एंड दिस इज टेल. हेड के केस में सबसे ऊपर वाले ऊपर वाला जो, जो पोर्शन होता है ये है हमारा एक्रोसोम, एक्रोसोम के नीचे यहाँ पर है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के साथ नीचे सेंट्रिय मिडिल पीस में जो है यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं एंड जो ये टेल है इसका मेन फंक्शन क्या है ये हेल्प करती है फॉर द मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म नाउ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ सी ऑर्चिन अगर हम सी के केस में फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कुछ स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन होगी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जो सी ऑर्चिन है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है दैट मीन्स एग जो है वो रिलीज होता है आउटसाइड दी बॉडी इन टू दी सी जहाँ पे भी सी अर्चन प्रेजेंट होगा एंड स्पर्म्स जो हैं दे आर ऑल्सो रिलीज इन टू दी आउटसाइड द बॉडी अब एग एंड स्पर्म एक दूसरे को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि जो स्पर्म है वो उस पर्टिकुलर सी अर्चन के एग पे जाके ही उसे फर्टिलाइज़ करे तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कीमो अट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग्स By the soluble molecules secreted by the egg. So egg and sperm जो है वो आपस में chemo reactions show करेंगे. That means attraction via chemicals. Egg क्या करेगा? It will release chemicals into the sea. And वो chemicals जो है, they will be that uh, those chemicals will be identified by these sperms. जैसे ही वो उन chemicals को identify करेगा, sperm को अपना रास्ता मिल जाएगा कि क्यों उसे किस direction में जाना है. नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग ऑफ दर्म टू दी एक्स्ट्रा सेल्युलर मेट्रिक ऑफ दी एग जैसे ही स्पर्म को डायरेक्शन मिल जाएगी इट विल रीच टू दी एग एंड उसके बाद वो क्या करेगा वो बाइंड करेगा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मेट्रिक्स है हमारा जो जेली लेयर थी एंड जोना पेलीसोडा है पहले सबसे पहले जेली पे बाइंड करेगा एंड देन जोना पेलीसोडा ऑफ दी एग नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल एंड रिलीज ऑफ इट्स एंजाइम सबसे पहले क्या होगा जैसे ही वो बाइंड करेगा जो स्पर्म है ये हमारा स्ट्रक्चर है स्पर्म का यहाँ पे एक्रोसोम मैंने आप लोगों को भी बताया सो so, यहाँ पे जो एक्रोसोमल वेसिकल है इसमें एक्सोसाइटोसिस होगा एंड जो भी एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनका रिलीज हो जाएगा इस रिलीज की वजह से क्या होगा स्पर्म जो है वो अपना रास्ता बनाएगा टूवर्ड्स दी सेल मेम्बरेन ऑफ दी एग पैसेज ऑफ द स्पर्म टू दी एक्सट्रा सेल्यूलर मेट्रिक टू दी एक्सलबरेन जैसे ही रिलीज हुई enzymes, उसने अपना रास्ता बनाया एंड वो कहाँ पहुंचेगा एग्सेल में जैसे ही एग्सल में पहुंचेगा फ्यूजन ऑफ दी एग एंड स्पर्म सेल मेंबरेन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा देखो यहाँ पे ये यह जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे बाइंडिंग टू द विटलाइन है उन वाला और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अप्रोच किया सेल मेंबरेन के पास ये पहुंचा है इनकी फ्यूजन हुई है आपस में स्पर्म की एंड एग की सेल मेमब्रेन की आपस में फ्यूजन हो गई है आफ्टर दी स्टेप्स आर एकम्प्लिश्ड दैप्लॉइड स्पर्म एंड द एग न्यूक्लिया कैन मीट एंड द रिएक्शंस दैट इनिशिएट डेवलपमेंट बिगिन जैसे ही यहाँ पे ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे तो एग जो एग का न्यूक्लिया है एंड स्पर्म का न्यूक्लिया है वो आपस में मिलेंगे ठीक है उसके बाद जो 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 वो सारे प्रोसेस, प्रोसेस जो होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी होता है वो सारे टेक प्लेस एंड उसके बाद हमारा सीएचन का फॉर्मेशन होगा अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे Now, the first point is, Chemoattraction of the sperm to the egg by soluble molecules secreted by the egg. Chemoattraction has two points are important hai. First point is following a particular direction through which the sperm can reach the ovum of its own species is an important point. This is achieved by, a, uh, by following a gradient of chemicals, Risact or Spiract, which is a 14 amino acid long peptide that is released by the ovum. And second point is it has to acquire the active movement through activation of dynin ATPAs. ना मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि जो फर्टिलाइजेशन uh, है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है दैट मीन्स एग एंड स्पर्म बोथ आर रिलीज इन टू वाटर अब स्पर्म को डायरेक्शन चाहिए रास्ता चाहिए कि एग जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसको डायरेक्शन uh, देने के लिए एंड उसको मूव करवाने के लिए एक केमिकल जो एग रिलीज करता है उसका नाम है रिसैक्ट या उसे स्पिराक भी कहा जा सकता है रिसेक्ट या स्पिर बेसिकली है क्या यह एक फोर्टीन अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है जो कि स्पर्म के पास जाके उसके uh, के ऊपर जाके बाइंड करता है एंड उसे डायरेक्शन देता है यह डायरेक्शन किस तरीके से होती है हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं नाउ दिस इज स्पर्म सेल मेम्ब्रेन ठीक है ये स्पर्म का सेल मेम्ब्रेन है स्पर्म के जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रिसेप्टर ठीक है स्पिरैक्ट और रिसैक्ट जो है जब वो स्पर्म को अप्रोच करता है तो वो बाइंड करता है इसी रिसेप्टर के ऊपर ठीक है दिस इज रिसैक्ट और स्पिरैक्ट रिसेक्ट और स्पेरेक्ट जो है वो बाइंड करेगा इसी रिसेप्टर के ऊपर आर के ऊपर वो बाइंड करता है जैसे ही इसकी बाइंडिंग होती है ये काम क्या करता है जैसे कि ये एक गोनाइल साइक्लेस रिसेप्टर है ये क्या करेगा ये जी को कन्वर्ट करेगा सी में साइक्लिक जी में ये सी क्या करेगा ये सी जी एम पी विल एक्टिवेट अ कैल्शियम रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही कैल्शियम uh, रिसेप्टर जो है इसे एक्टिवेट किया जाएगा ये ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कैल्शियम आयन्स कैन नाउ मूव फ्रीली इन साइड जैसे ही कैल्शियम आयन्स जो है अंदर आना स्टार्ट कर देंगे स्पर्म क्या करेगा स्पर्म जो है वो एग की तरफ स्विम करना स्टार्ट कर देगा ना एज सुन एज दी स्पर्म मूव टूवर्ड्स दी एग तो यहाँ पर है हमारा सी अर्चन का एग ठीक है एंड ये आया इसका सी अर्चन का स्पर्म ठीक है ये है इसकी एक्रोसोमल वेसिकल एंड ये है सबसे पहले जली कोट ऑफ दी एग ठीक है उसके बाद विटलाइन एनवेलप है एंड देन इज दी सेल मेम्ब्रेन So, अगर हम जेली कोट की बात करें जैसे ही आ, हमारा स्पर्म जो है वो बाइंड करता है जेली कोट के साथ इस जेली कोट के सरफेस के ऊपर कुछ लीगेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स एंड कुछ रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन दी एक्रोसोमल बेसिकल ऑफ दी स्पर्म ठीक है ये लीगेंस जो हैं इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं टू तो इंश्योर दी स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन ठीक है जैसे ही इन रिसेप्टर्स एंड लीगेंस की बाइंडिंग होती है स्पर्म्स में तीन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन होती है सबसे पहले आता है हमारा कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट चैनल यह कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट चैनल क्या करता है ये करता है कैल्शियम को टू एंटर दी स्पर्म सो अब यहां पर क्या होगा यहां पे और ज्यादा कैल्शियम आयन्स जो हैं वो स्पर्म के अंदर एंटर करेंगे सेकेंड इज सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर ये क्या करेगा ये सोडियम आय को अलाउ करेगा टू एंटर इंटू द एग्जिट दर्ड इज फॉस्फो लाइपेज एंजाइम फॉस्फो लाइपेज एंजाइम क्या करता है इट मेक्स आईपी थ्री टू रिलीज कैल्शियम आयन्स ठीक है आईपी थ्री क्या करेगा ये कैल्शियम आयन्स को रिलीज करेगा इन साइड द स्पर्म जिसकी वजह से क्या होगा जो एक्रोसोमल वेसिकल है ठीक है जो एक्रोसोमल वेसिकल है या एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन है एंड जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका फ्यूजन होगा इसकी फ्यूजन से क्या होगा एक्जोसाइटोसिस होगा एक्सोसाइटोसिस अगर होगा तो एक्सोसाइटोसिस से क्या होगा जो एग के एंड विटलाइन मेम्ब्रेन से रास्ता बनाता हुआ स्पर्म जो है वो एंटर करेगा एंड इट विल रीच मेम्ब्रेन ऑफ अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्पर्म में कैसे होती है थोड़ा सा हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये है हमारा एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोम के अंदर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिनको हम बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं ये है हमारा ग्लोबुलर एक्टिन एंड ये आउटर जो मेम्ब्रेन है दिस इज स्पर्म सेल मेम्ब्रेन सो आई थ्री जो है वो रिलीज करता है कैल्शियम आयन्स को जिसकी वजह से क्या होता है जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है है एंड स्पर्म का जो सेल मेम्ब्रेन है इनका आपस में फ्यूजन हो जाता है इनकी फ्यूजन की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है जो एक्रोसोमल एंजाइम्स है वो रिलीज होती हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो रही है ये कर क्या रही है ये रास्ता बना रही है फॉर दी स्पर्म टू एंटर इन दी एग जेली ठीक है एक जेली के ऊपर जैसे ही स्पर्म बाइंड करता है तो ये अपना अंदर की तरफ अब रास्ता बनाएगा राइट ये अपना अंदर की तरफ रास्ता बनाएगा टू तो रीच टू विटलाइन मेम्ब्रेन। सो so, एक चेंज और जो देखने को मिलता है वो यहाँ पर ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ दी एक्रोसोमल प्रोसेस ठीक है एक्रोसोमल प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है ये जो फिलाेंट uh, है एक्टिन फिलामेंट है इसका एक्सटेंशन होता है तो एक एक्रोसोमल एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो देखने को मिलती है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अराउंड ये जो प्रोटीन है ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं नाउ ना बाइंड बेसिकली है क्या प्रोटीन दे एक्ट एज अ लीगेंड राइट अगर ये लीगेंड है दैट मीनस इनका रिसेप्टर भी होगा जो इनका रिसेप्टर है उसका नाम है

मीन बाइल यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है एक्रोसोमल प्रोसेस या एक्रोसोमल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इसके आसपास पास इन दैट एक्ट एज अ लीगेंड वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे ये अगर लीगेंड है तो इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वेटेलाइन मेम्रेन ऑफ द एग जिसका नाम है ई बी आर वन ये लीगेंड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है अगेन इंश्योर करते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन क्योंकि बहुत सारे डी एग्स के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया था कि जो एग था उसका जेली कोट जो है वो रिमूव कर दिया गया था एंड स्पर्म एंड एग को फर्टिलाइज करवाया गया था एंड यहाँ पे क्या हो रहा था इन बाइंडन एंड ई बी आर वन की वजह से जो स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ सी अर्जिन था उसका एग एंड स्पर्म जो है वो आपस में बाइंड कर पा रहे थे सो इट ऑल्सो इन्श्योर्स दी स्पीशी स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्पर्म है इसको होल्ड करके रखेगा ठीक है ई बी आर वन एंड बाइंडन का जो इंटरेक्शन है ये स्पर्म को होल्ड करके रखेगा सो so दैट स्पर्म का जो मेम्ब्रेन uh, है वो एग uh, के सेल मेम्ब्रेन के साथ फर्टिलाइज कर सके उसके साथ फ्यूज कर सके एंड फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सके अगर मैं पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का रिकॉप करूँ तो उसमें क्या होगा सबसे पहले होता है कीमो अट्रैक्शन का पॉइंट राइट कीमो अट्रैक्शन दैट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो सकता है कि एग एंड स्पर्म जो है वो आपस में कभी फ्यूज हो ही ना पाए ठीक है इस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए एग जो है वो एक केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम है स्पिरैक्ट और रिसैक्ट इज़ अ फोर्टीन अमाइनो एसिड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड टू अट्रैक्ट राइट जैसे ही स्पिरैक्ट जो है वो स्पर्म के आसपास पहुंचेगा इट विल बाइंड टू दी रिसेप्टर विच इज कॉल्ड एज आरजीसी लोकेटेड ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ दी स्पर्म आर जी सी के साथ जैसे ही ये बाइंड करेगा आर जी सी क्या करेगा वो जी टी पी को सी जी एम पी में कन्वर्ट करेगा सी जी एम पी क्या करेगा सी जी एम पी जाके कैल्शियम आयन चैनल्स को ओपन करेंगे जिसकी वजह से कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा एंड इसी इन्फ्लक्स की वजह से जो स्पर्म है इट विल मूव टूवर्ड्स दी एग जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुंचेगा राइट right? जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुंचेगा इट विल बाइंड टू दी जेली कोट ऑफ दी दी ऑफ़ एग जिस जैसे ही जेली कोट के साथ बाइंड किया नाउ जेली कोट के सरफेस के ऊपर कुछ लीगेंस प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसैकराइड

एग्जिट करेगा हमारा प्रोटॉन एंड थर्ड इज फॉस्फो लाइपेज जो कि क्या करेगा आईपी से करवाएगा हमारे कैल्शियम का रिलीज इन कैल्शियम आयन के रिलीज की वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन होगी सो एक्रोसोमल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं सो एक्रोसोमल रिएक्शन के केस में क्या होगा जैसे ही यहां पर आईपी थ्री कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा देर विल बी फ्यूजन ऑफ़ एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्बरेन एंड सेल मेंब्रेन ऑफ द स्पो इनका फ्यूजन होगा जिसकी वजह से जो एकमल एंजाइम्स हैं दे विल भी रिलीज जैसे ही एक्रोसोमल एंजाइम्स जो है वो रिलीज होंगी ये क्या करेंगी ये अपना रास्ता बनाएंगी थ्रू द जेलीकोट ऑफ दी एग एंड दे रीच टू दिटलाइन मेंबरेन ऑफ दी एग अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट था कि एक्रोसोमल एंजाइम्स के रिलीज के साथ साथ देर विल बी चेंजेस इन दी स्पर्म और वो दूसरे चेंजेस क्या है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक्रोसोमल प्रोसेस का इस एक्रोसोमल प्रोसेस के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिनका नाम है बाइंडिन बाइंडिन जो है ये एक लीगेंड है राइट बाइंडिन एक लीगेंड है जो कि बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ जिसका नाम है ई बी आर वन विच आर लोकेटेड ऑन विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बाइंड एंड ई बी आर वन के फ्यूजन सॉरी बाइंड बाइंड एंड ई बी आर वन के इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा देर विल बी स्पीशीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली जो प्लाज्मा uh, मेमब्रेन है एक का एंड जो स्पर्म है वो आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन को कम्प्लीट करेंगे सो so, ये है हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पमी दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में इसे uh, डाल सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर इट एंड ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग